एक एनिमल किंगडम है बोलते नहीं और एक ह्यूमंस है, दोनों में फर्क क्या है, सबसे बड़ा फर्क क्या है? एनिमल्स आर लिविंग ओनली फॉर सर्वाइवल, सुबह से रात तक उनके लिए क्या है अगर देखा जाए उनकी जिंदगी क्या है, एक बचना है कि कोई मुझे मार ना दे, एक किसी को मारना है खुद जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवल बस, और तो कुछ नहीं है। तो अगर हम भी ऐसी जिए डर करके कि कहीं मुझे कोई मार ना दे और कहीं मैं मर ना जाऊं, तो क्या हम भी जानवरों की तरह नहीं जिए? इंसान होने का क्या फायदा, इस ब्रेन का क्या फायदा? अगर पूरी जिंदगी पैसा 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 करते करते जिए, पैसा 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 करते करते मरे, तो हमें और जानवरों में फर्क क्या है? वो भी तो यही कर रहे हैं। और एक लेवल है जो जानवरों से भी नीचे है, वो क्या है ध्यान से समझना। आपने कमा लिया पैसा, आपके पास में पैसा है, फिर भी आप पैसे के लिए जी रहे हो, उससे भी नीचे का लेवल नहीं हो गया? बेवकूफी की हद, सारी हदें पार। मतलब आप ये कह रहे हो कि नीचे जो लेवल जा रहा है वहां पे कहां रुकना है? आप ऊपर की बात कर रहे हैं, नीचे की बात कर रहे हैं? इससे भी नीचे एक लेवल है, वो मैं बता देता हूं, वो पता नहीं आप में से कौन है कौन नहीं है। मतलब उनके पास में पैसा है, फिर भी ऐसे लोगों का पैसा मार रहे हैं जो करप्ट लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोगों से पैसा ले रहे हैं जिनके लिए वो पैसा लाइफ लाइन के जैसा है। बिल्कुल ऐसा है, पैसा पैसे में, हवा में पानी में ज्यादा फर्क नहीं है। कोई ऐसा बंदा है जो प्यास से तड़प रहा है 10 मिनट से, उसको अगर वो एक ग्लास मिल जाए तो वो जिंदा रहेगा, उससे भी वो एक ग्लास छीन रहे हैं, और खुद के पास कुएं खुदे पड़े, ये उससे भी नीचे का लेवल है, सबसे नीचे का लेवल है। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस क्या है? कि आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो विच यू आर पैशनेट अबाउट, कुछ ऐसा जो मीनिंगफुल हो, जिसका सिर्फ आपकी लाइफ के लिए नहीं औरों के लिए भी कुछ मीनिंग हो। यानी जब आप जाओ इस दुनिया से, तो एटलीस्ट ये हो कि हाँ यार ये बंदा इस दुनिया में आया तो उसने कुछ तो किया, चाहे 2-3 लोगों की लाइफ, दो भी छोड़ो, किसी एक की लाइफ आपकी वजह से बेटर हुई, आपके इस दुनिया में आने की वजह से किसी एक बच्चे की लाइफ बेटर हो गई, तो क्या मीनिंग आया लाइफ में? नहीं आया। तो ये मीनिंग ही तो हमको अलग कर रहा है जानवरों से और इंसानों से। यानी सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे हो, जानवर का मतलब क्या है, सिर्फ अपने लिए जिए अपने लिए मरे। कुछ ऐसे लोग जो बदले में हमको कुछ नहीं दे सकते हैं, कुछ नहीं देने वाले हैं, उनके लिए भी पूरे दिल से कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हाईएस्ट लेवल आ गया ना। मतलब अपना नुकसान एक बार को फिर भी होने दोगे, लेकिन अपने फायदे के लिए किसी और का नुकसान किसी हालत में नहीं करो। आपकी इंटेंशन किसी का कुछ गलत करने की नहीं है। यानी आपने कुआं खोदा इसलिए कि आसपास के गांव वाले पानी पिए वहां पर आकर, और आपने उस कुएं पे कब्जा नहीं किया कि आओ पी लो जितना पीना है, सब जी लो, ये तो हो गया एक एंगल। लेकिन उस कुएं में कोई लड़का जिसको किसी लड़की ने छोड़ दिया, वो कूद भी तो सकता है ना जाकर, जिसको तैरना नहीं आता, मर गया। किसकी वजह से मरा? कुएं की वजह से। तुम्हारा कुआं नहीं होता तो कैसे मरता? वहां तो दूर दूर तक पानी नहीं था, सूखे में थोड़ी मरता, सूखे में लेटा रहता, मैं डूब गया मरता ही नहीं। कुएं की वजह से मरा हुआ, कुआं किसने खोदा? मैंने खोदा, तो क्या मैं रोऊं बैठ कर? वो मर गया, मेरी वजह से मर गया, अगर कुआं नहीं होता तो वो बच जाता। सोच रहे थे कुछ अच्छे के लिए हम कर रहे थे, लेकिन हो गया है कुछ बुरा, अब क्या करें? अब उसके बाद भी अपने गोल पे फोकस कैसे रहे? उसके बाद भी अपने माइंड को ऐसा कैसे रखे कि हमारा जो माइंड है वो बार बार वहां ना जाए, वो यहीं पे रहे। बैडमिंटन वाले एग्जाम्पल को याद करो, देखो क्या होता है, हम कुछ कर रहे होते हैं, उसका आउटकम जब हमारे हिसाब से नहीं आता है, यानी मैं खेल रहा हूं और एक गेम हार गया, दूसरी गेम हार गया, तीसरी गेम हार गया, तो क्या होता है? बुरा लगने लग जाता है, गुस्सा आने लग जाता है, इरिटेशन होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, तब हम अपने गेम को उठाने की कोशिश करते हैं, जितना उठाने की कोशिश करते हैं उतना ही गिरता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा जोर लगा रहे हैं। करना क्या है, जैसे बैडमिंटन में क्या होता है, करना क्या है, गैप्स में शटल को डालना है, हम क्या कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, जितना जोर लगा रहे हैं उतना हम थक रहे हैं, वहां पर स्मैश नहीं मारना है, गैप्स को ढूंढना है। गैप मतलब ये है कि एग्जैक्टली ये जो मैं कर रहा हूं उसको किस डायरेक्शन में करना है, शटल को क्या डायरेक्शन देनी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या जोर लगाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेहनत करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगे रहना डायरेक्शन एग्जैक्टली, ऐसी किसी जगह पे शटल को पहुंचाना जहां पर दूर दूर तक तो कोई ना हो, चाहे तेज चाहे धीरे, दैट इज सेकेंडरी। वहां पे कई बार तेज भी पहुंचाना होता है, तेज मारना होता है, कभी बहुत धीरे मारना, तो कभी बहुत ही धीरे, हल्का सा टच, टच किया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।